में नहीं है, तो वो क्या एक चीज है जो हमें संभाल सकती है? वो है आत्मविश्वास। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे, हम उम्मीद को कायम रखेंगे। पर केपी, ये आज तक से कितना अलग होगा? आज तक का काम है सबसे तेज रहना, इस चैनल का काम होगा देश के हौसले को बुलंद रखना। हर रोज एक ऐसी खबर लेकर आए जिससे दिल खुश हो जाए, जो इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे हमारे दर्शकों को कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। एक ऐसा न्यूज चैनल जो आपकी जीत धूमधाम से मनाए, पर अगर वो ना हो पाए तो आपका हाथ पकड़कर आपको एक और बार ट्राई करने की हिम्मत दे। मुझे लगता है केपी, अब आपको वो जादुई बटन दबा देनी चाहिए। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए? न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। गुड न्यूज की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति, और गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम आपके खबरों की दुनिया और आपका नजरिया बदलने आ रहे हैं। नजरिया आपका जल्द ही बदलेगा, लेकिन श्वेता और अंजना से पूछना बहुत जरूरी है कि कैसा लगा आप सभी को हमारा स्टूडियो और हमारा ये लोगो रिवील। वाह अदिति, क्या बात है, गुड न्यूज टुडे के आने का आसमान की ऊंचाइयों तक उद्घोष हो गया कि नया इतिहास लिखा जा रहा है खबरों की दुनिया, और आपका नजरिया सब कुछ बदलने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि वाकई हमारी दुनिया में सकारात्मकता की बहुत जरूरत है, पर खबरें तो नेगेटिव भी होती हैं, उसमें नजरिया कैसे बदलेंगे? यही तो बात है, हम खबर नहीं बदलते, नजरिया बदलते हैं। जीएनटी के दर्शक कभी कोई खबर मिस नहीं करेंगे। हाँ, हमारी बुलेटिन के बाद गुड न्यूज वाली स्माइल उनके चेहरों पे जरूर होगी, देख लेना। इस स्माइल से ही गुड वाला एहसास आ जा रहा है अदिति। लेकिन ये सिर्फ एक नया चैनल नहीं है, ये एक नई जिम्मेदारी है। इस समय आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? श्वेता, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और अंदर से थोड़ा नम भी फील कर रही हूँ। मुझे ये एहसास भी है कि कितना बड़ा कदम है गुड न्यूज़ टुडे यानी जीएनटी, न्यूज़ इंडस्ट्री के इतिहास का बिल्कुल अलग और नया प्रयोग जो है। और देखिए हमारा सेट, हम यहीं से रोज़ हमारे दर्शकों के लिए खबरें लेकर आने वाले हैं। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सालों से दर्शक जो सोच बना चुके हैं कि खबरें नेगेटिव ही होती हैं, हमें उसे तोड़ना होगा। यानी बात यह है कि हर खबर का सच्चा और अच्छा एंगल भी होगा, हमारे हीरोज की कहानियां होंगी, प्रेरणादायक खबरें होंगी, खबर नहीं नजर बदलेगी। किंतु एक बदलाव तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये आज तक के लिए बैड न्यूज है और जीएनटी के लिए गुड न्यूज, क्योंकि अभी तक नवजोत रंधावा आज तक पर एंकरिंग करती थी और अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुड न्यूज टुडे पर ही नजर आएंगे। नवजोत, बेस्ट ऑफ लक, दुनिया में गुड न्यूज की बहुत जरूरत है। थैंक यू श्वेता, थैंक यू अंजना। वैसे मेरे लिए तो एक नई पारी भी है और एक नई जिम्मेदारी भी, और हमारी पूरी टीम को आपकी शुभकामनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, अब जीएनटी का स्टूडियो तो अदिति ने आपको दिखा दिया है, अच्छी खबरों की शुरुआत भी हो गई है, तो जीएनटी के साथ आपका पूरा दिन यकीन मानिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। और हम आपको अब ये भी बताते हैं कि पूरे दिन में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो जीएनटी की हर सुबह की शुरुआत भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ होगी, अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ। और अनूप जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।
अच्छी बातें सुन लो मेरे भाई, अच्छी बातें सुन लो मेरे भाई। वक्त मुश्किल और हालात कठिन, लेकिन सब बुरा है ऐसा भी कहा है। उम्मीद के वर्क में लिपटी छोटी छोटी खुशियां रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी, और आऊंगा मैं भी आपसे करने कुछ अच्छी बात रोज सुबह सिर्फ गुड न्यूज टुडे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। सबसे अच्छी खबर तो यह है कि आज से हम सब मुस्कुराएंगे, और बहुत मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। एक कमाल का चैनल शुरू हो रहा है और जिसका नाम है गुड न्यूज़ टुडे। तो गुड न्यूज़ टुडे में आपको बस खुश रखा जाएगा, आपकी जितनी नेगेटिविटी है सब ख़त्म कर दी जाएगी और आपके मन में सुख का संचार होगा। चले, दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई है अनूप जलोटा जी के साथ, लेकिन जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई इसका भविष्य कैसा होगा। तो आपका भविष्य बताने के लिए हर दिन और हर सुबह गुड लक टुडे हाजिर होगा, और इसको लेकर आएंगे शैलेंद्र पांडे जी। देखिए, अगर हम गुड न्यूज टुडे की बात करें तो जिस समय से इसकी शुरुआत हो रही है, इस समय के हिसाब से अगर हम देखें, दो ग्रह ज्योतिष में बड़े अहम माने जाते हैं। एक है शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। दोनों वक्रत्व की रेट्रोग्रेटेड पोजीशन में हैं इस समय, जिनके पास चेष्टा बल बहुत ज्यादा है। तो बृहस्पति और शनि की इतनी ताकतवर स्थिति में इस चैनल की शुरुआत हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल है। एक नए तरह का ये ट्रेंड सेट कर पाएगा खबरों की दुनिया में, न्यूज़ की दुनिया में, ज्योतिष के माध्यम से, खेल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, वो हम आगे देख पाएंगे, क्योंकि जिस समय इसकी शुरुआत हो रही है उस समय बड़ा ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद चैलेंज जी। गुड न्यूज टुडे के इस गुड लक से वैसे सबसे ज्यादा खुश वो होंगी जिनका विजन है ये चैनल। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन एंड ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर कली पुरी मेरे साथ मौजूद हैं। कली, बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, देखिए मेहनत रंग लाई। बिल्कुल, आपके और मेरे चेहरे पे गुड न्यूज वाली स्माइल। गुड न्यूज टुडे लाने के पीछे आपकी सोच और ख्याल कहाँ से आए? इस बेबस कोरोना के टाइम बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि हम न्यूज चैनल देखना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है, हम देख नहीं पाते। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल्स ने कोरोना के टाइम बहुत ही ज़रूरी, अच्छा और हिम्मत का काम करा। अगर अपनी जान की परवाह ना करके हमने प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं की होती तो वहाँ पर हेल्प नहीं पहुँचती और हम और लाइव्स को लूज कर जाते हैं। हमने लाइव सेव करी हैं। तो न्यूज़ चैनल्स का कर्तव्य होता है कि न्यूज़ कितनी भी कड़वी हो, अगर देश के हित में हो तो हमको वो दिखानी है। पर एक और रोल है न्यूज़ चैनल्स का, अब वो GNT पूरा करेगा कि क्राइसिस के समय देश निराश ना हो, आशा की किरण हम दिखाते रहें कि लोग आगे बढ़ें, कि ये भी टल जाएगा। बिल्कुल, तो हम गुड न्यूज टुडे लेकर आ रहे हैं। पर एक सवाल जो अक्सर जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी? हाँ, हम ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे और शानदार न्यूज भी दिखाएंगे। हमारी नजर उन खबरों पे रहेंगी जो आपको इनकरेज कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको इंस्पायर कर सके।
न्यूज़ का डेफिनेशन हम एक्सपैंड कर रहे हैं, न्यूज़ को एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया से देखेंगे। पर एक सवाल और है मेरा, गुड न्यूज़ दिखाने का मतलब क्या ये है कि हम सिस्टम का फेलियर नहीं दिखा रहे, बस सब कुछ हम गुड गुड दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो हम उसको भी दिखाएंगे, पर हमारा फोकस हमेशा हल पर रहेगा, सल्यूशन पर रहेगा। और गुड न्यूज़ के गुनहगारों की तो खैर नहीं, उनकी क्लास तो हम हर रोज ही लेंगे। और नवजोत, गुडी गुडी से क्या डरना, उम्मीद पे ही तो पूरी दुनिया कायम है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जेएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। तो अब आपके मन में भी ख्याल आने लगा होगा कि हम जिन शुभ समाचारों को लेकर आ रहे हैं वो हमें बताएगा कौन? जी हाँ, कौन कौन होगा हमारी टीम में, यानी कि टीम जीएनटी कैसी रहने वाली है। अब गुड न्यूज से होगी आपकी गुड मॉर्निंग। खबरों के मायाजाल से हम आपके लिए लाएंगे आपके काम की खबर। हर खबर के होते हैं दो पहलू, नेगेटिव खबरें बहुत देख ली आपने, पर अब हम आपको दिखाएंगे खबरों का दूसरा पहलू जिससे आपके चेहरे पर आएगी मुस्कान। मैं रोमिता तिवारी, मैं वैभव राज शुक्ला, मिलेंगे आपसे गुड न्यूज टुडे पर, दिखाएंगे आपको अच्छी खबर, सच्ची खबर, पक्की खबर। थैंक यू सो मच। और आखिरकार देखिए, इंतजार जो है वो खत्म हो गया है, हम अपने दर्शकों से आज मिलने जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी खबरें नवजोत हम सुबह सुबह लेकर पेश होंगे। चाय की प्याली होगी दर्शकों के हाथ में और साथ ही शुभ खबरों का डोज होगा। बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बुलेटिन में जनता के काम की बात होगी, जनता के पते की बात होगी, और वो तमाम समाचार होंगे जिनका आपसे सरोकार है, भारत से सरोकार है। मतलब मैं ये मानूं कि हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात हमारे शो की जो है वो ये है नवजोत कि हमारे शो में नेगेटिव खबरों की नो एंट्री है, बिल्कुल दरवाजे बंद है ऐसे खबरों के लिए जो नेगेटिव है। यानी रोमिता, मैं ये मान के चलूं कि बैड न्यूज की नो एंट्री है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव न्यूज नहीं होने वाली है। जैसा कि मेरे सहयोगी वैभव ने भी कहा कि हम बात पते की करेंगे, आपके काम की करेंगे, इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा पॉजिटिव खबरों का भंडार लेकर, हर सुबह आपके साथ हम मिलने वाले हैं। देखिए, कहते हैं ना कि वाइब बहुत जरूरी है, तो गुड वाइब्स आपको पक्का जरूर आने वाले हैं। वो तो हमारे स्टूडियो से और आपकी इंट्रोडक्शन से ही आ गए हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं। आई एम श्योर आपको फील हुआ होगा ये सब। बिल्कुल, मुझे तो फील हो रहा है, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जब सुबह सुबह दर्शकों से मिले तो ये वाइब्स आप भी फील करें, क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो दिन अच्छा होता है, इसीलिए शुभ समाचार आप लोग ला रहे हैं। आज का शुभ समाचार क्या है? सबसे बड़ा शुभ समाचार वैभव मुझे लगता है यही है कि हम गुड न्यूज टुडे के जरिए अब हर रोज आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक आप ये सोचते रहे हैं कि क्या खबरों में कुछ अच्छा नहीं होता, या खबरें जो अच्छी होती हैं वो सिर्फ अल्टरनेट दिन सुनने के लिए मिलती हैं, या साप्ताहिक होती हैं, या फिर उनका कोई स्पेशल शो होता है। इसलिए खबरें नहीं बदलेंगे हम, सिर्फ नजरिया बदलेंगे और उनमें सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढ ढूंढ कर आप तक लाएंगे, और यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी बिल्कुल पूरी तरीके से भर जाएगी। चलिए तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं और वैभव सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात करेंगे और आपको अच्छी और शुभ खबरें सुनाएंगे शुभ समाचार में। बिल्कुल, तो शुभ समाचार अगर आपको देखने हैं और दिन की शुरुआत आप चाह रहे हैं कि आपकी बहुत बहुत अच्छी हो, तो गुड न्यूज टुडे में सुबह सुबह आप जुड़िएगा वैभव और रोमिता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच। कहते हैं खुश रहने से जीवन की आधी समस्याएं हल हो जाती, यानी कि खुश रहना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। तो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपकी खुशी और फिटनेस का पूरा इंतजाम हमने किया है। ओम शांति ओम लेकर आएंगी ईरा त्रिवेदी।
ये पर्पस है कि हम दर्शकों को बताएंगे कि आप योग से अपनी जीवन कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं अच्छी अच्छी वेलनेस टिप्स दूंगी, मैं आपको ब्यूटी हैक्स दूंगी, मैं आपको ऐसे टिप्स और योग बताऊंगी कि जो मैं अपनी खुद की अपनी ज़िंदगी में मैं करते आई हूँ। आई कैंट वेट टू सी यू GNT मानी गुड न्यूज़ टुडे पर, यानी अच्छी और सच्ची न्यूज़। थैंक यू सो मच रा, इंतज़ार रहेगा हमें आपके शो का। वैसे खान पान और एक्सरसाइज के साथ खबरों का मेन्यू भी बहुत स्वस्थ होना चाहिए, और इसीलिए मैं टीम GNT के मिडिल ऑर्डर से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो हर रोज दोपहर लंच टाइम लेकर आएंगे आपके लिए शगुफ्ता और अदिति, प्लीज वेलकम। हमारी नज़र से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं अदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। वेलकम टू GNT। थैंक यू सो मच, मुझे पता चला है। थैंक यू। अच्छा, ये शगुफ्ता का अंदाज भी आपको नजर आएगा। मुझे पता चला है कि आप बहुत टेस्टी फूड लेकर आने वाली हैं। बहुत टेस्टी, जैसे हमारे शो का नाम ही लंच टाइम है, तो लंच टाइम से ही पता चलता है। सबसे पहले तो हम ट्रेंडिंग न्यूज़ लेकर आएंगे जो आपके सरोकार की होंगी, आपके काम की होंगी खबरें। इसके अलावा एक बहुत ही टेस्टी वाली डिश परोसने जा रहे हैं। आई मीन जायका, You'll love it. मतलब मजा आ जाएगा। अंदाज से मुझे अदिति पता चल रहा है कि she's a foodie girl. I am. मैं हूँ। और क्योंकि आपने कहा था स्वस्थ होना चाहिए खाना, तो इस बार हम स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ खबरें भी लेकर आएंगे। आइडिया ये है कि अब खबरों को थोड़ा बदला जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी लाई जाए, क्या लगता है? बात है, क्या बात है। वैसे देखिए दो पंजाबने आ जाए, क्यों कुड़ियो यार, पंजाब छोले भटूरे होंगे नहीं होंगे? छोले भटूरे का तो पता नहीं, लेकिन लंच टाइम है तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक टेस्टी सी डिश आपके सामने रखें, सबके सामने, उसके बाद तुरंत हम दोनों शो को रैप अप करके लंच करने चले जाएं। पता है इसके बाद दर्शकों का एक जरूर मैसेज आपके पास आने वाला है। आप कुक करती हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अदिति आप? मैं भी कुक। और दर्शकों को बता दीजिए कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, ताकि आप डिश परोसे और फिर उसके बाद आपके लिए भी आए। वैसे मुझे पता नहीं, देखिए मैं पंजाबी हूँ तो साग और मक्की की रोटी इज ऑन नंबर वन, विंटर्स का इंतजार, समोसे प्लस चाय। समोसे एंड चाय, वो शाम की डिश होगी। वो शाम की डिश होगी। मगर मैं अपने क्यूजीन की बात करूंगी, मेरे को इटालियन क्यूजीन बहुत अच्छा लगता है और मैं वो पकाती भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं चाहूंगी कि कोई भी अगर दर्शकों में इटालियन खाना पसंद करता है तो कभी कभी हमारे लिए भी भेज दे भाई। वैसे लेके भी आ सकती है शो में लोग अपने साथी के लिए। अच्छा, समझ गई मैं क्या कहना चाह रही हूं। डिमांड हो गई है और इसके साथ साथ भूख हमारी बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट। इंतजार रहेगा हमें गुप्ता और अदिति आपका लंच टाइम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो GNT में हमने आपके पूरे दिन का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन लंच के बाद जब आप आराम के मूड में होंगे तब हम क्या लेकर आएंगे? हम करेंगे आपका फुल मूड फ्रेश और टीवी और OTT की गुड न्यूज से बेहतर और क्या हो सकता है। तो हर रोज दोपहर GNT पर आपको मिलेंगी पारुल, जो सास बहू और बेटियां में सुनाएंगी टीवी और OTT की गुड न्यूज। तो गुड न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर पारुल हाजिर हो। सास बहू बेटियां एक बार फिर वापस आ रहा है। 14 साल से सबने सास बहू और बेटियां को इतना प्यार दिया है और अब सास बहू और बेटियां गुड न्यूज टुडे पर हर रोज 1:25 PM और हम सब आपके लिए लेकर आएंगे एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो हमारा वायदा है आपसे कि आप जब GNT चैनल देखेंगे तो रिमोट भूल जाएंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम ही ऐसे ऐसे लेकर आएंगे। तमाम खबरों के साथ हर रोज हम कुछ स्पेशल भी दिखाएंगे और इसीलिए मैं सेट पर बुलाती हूँ अनंत भट्ट को। दुनिया अच्छाई पर टिकी है, बुराई तो इंसान को डराती है लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। Welcome Anand, how are you? धन्यवाद and welcome to Good News Today. Yes, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। जी पता है, चेहरे से स्माइल थोड़ी मुझे कम लग रही है। नहीं, बिल्कुल स्माइल है। तो दिखाइए जरा दर्शकों को, ये देखिए खुला आकाश है स्माइल का।
क्या स्पेशल लेकर आने वाले? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नवजोत ये बताना चाहता हूँ कि जो अच्छाई है वो अनंत है, वो असीम है, और अच्छाई के इस आकाश को हम तलाशेंगे और उसमें से जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, उसको हम GNT स्पेशल के ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। यानी कि हम ज़मीन से ब्रह्मांड तक GNT का लेंस सब कुछ देखता रहेगा और जो अच्छा लगेगा दर्शकों के सामने होगा। क्या बात है अनंत, मतलब भारी भरकम वर्ड्स के साथ। वैसे मुझे तो ये लग रहा था कि हम कुछ नेगेटिव या सिक्के का बस एक ही पहलू दिखाएंगे, मतलब आप पूरा एकदम बोथ साइडेड लेकर आएंगे। देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि छोटे से एग्जांपल से बात समझाता हूँ। पानी का आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है, तो हमें दोनों को ही सामने रखना चाहिए। अपना अपना नज़रिया होता है हर इंसान का सोचने का, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हमेशा भरा हुआ ग्लास ही देखता हूँ। अच्छा अनंत जो हमारे मित्र हैं वो हरियाणा से हैं। अब इसको जरा हरियाणवी भाषा में बोल के दिखाइए। ये गिलास है आपके सामने। तो भाई, किसी ने पानी का आधा गिलास भरा दिखे है, हाँ। और किसी ने खाली दिखे है। मैंने तो भरा दिखे, तारी भरा पता दिखे नहीं भाई। है। तो ये टच रहेगा आपके शो में? बिल्कुल रहेगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे टच रहेगा ये वाला। स्माइल कितनी होगी? स्माइल भरपूर होगी। गुड न्यूज टुडे का मतलब ही है हंसते रहिए और अच्छाई से रूबरू होते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच अनंत एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुभकामनाएं। हमें भी इंतजार होगा आपके शो का। खबरों को सिर्फ सतही तौर पर हम नहीं दिखाएंगे, हम खोलेंगे उसकी तमाम परतें। एक ही खबर को घिसते रहने की हमारी फितरत नहीं है। शाम 7 बजे आपके सरोकार के सवाल उठाएंगे, गुड न्यूज के गुनेगारों को कटघरे में खड़ा करेंगे। आशुतोष चतुर्वेदी, आशुतोष वेलकम टू गुड न्यूज टुडे। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवजोत आपका। आशुतोष, आपकी स्माइल, जो वॉकिंग स्माइल है ना, वही बता रहे कि आप बहुत खुश हैं। आज की गुड न्यूज़ बताइए पहले। बहुत खुश हूँ क्योंकि नई शुरुआत है और नया चैनल, लेकिन अंदाज भी नया होगा। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, सवाल बहुत कड़क होंगे लेकिन उसके पीछे गुड न्यूज छुपी होगी, इसलिए मुस्कुराहट। बंदे में दम है। और कड़क सवाल कैसे होंगे आशुतोष, समझाइए जरा शो के बारे में, क्या कुछ लेकर आएंगे आप? देखिए, दिन की सबसे बड़ी खबर को हम लेकर आने वाले हैं और सीधा जो गुड न्यूज के गुनहगार हैं उनको एक्सपोज करने वाले हैं। पूछेंगे हम 7 सवाल, क्योंकि 7 बजे 7 सवाल, यही हमारा थीम। और सबसे बड़ी बात कि जनता से सीधे कनेक्ट करने वाले हैं। जनता जो सोचती है कि काश कोई चैनल ये सवाल पूछता, वो हम पूछेंगे, वो उस मुद्दे को हम उठाएंगे। यानी कि जो जैन में आपके सवाल चल रहा है, तमाम वो सवाल जो आप सोचते हैं कि ये सवाल उठना चाहिए, आशुतोष उठाएंगे उस सवाल को। बिल्कुल, और हम कहते भी हैं नवजोत कि हर खबर गुड न्यूज नहीं होती, लेकिन हर खबर आपको हताश भी नहीं करती, आपको निराश भी नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आशुतोष चतुर्वेदी गुड न्यूज के गुनहगारों को करूंगा एक्सपोज, पूछूंगा सीधे सुलगते हुए उनसे 7 सवाल। पर आशुतोष, कई बार जब सवाल पूछे जाते हैं तो किसी किसी को थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, उसमें मिठास कैसे भरी जाएगी? देखिए, कड़वा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर है कि शायद हम सच हैं, हम सच्चाई को दिखा रहे हैं, इसलिए उनको चुभती है और चुभनी चाहिए, और जनता इसलिए तो हमसे सीधा कनेक्ट करेगी नौजवान। क्या बात है आशुतोष, मैं आपको जाने नहीं दूंगी अभी। बिल्कुल, क्योंकि हमने अफवाहों से बचने का भी पूरा इंतजाम किया है। वैसे खबरों के सच झूठ की पड़ताल भी होगी। आशुतोष, आप लेकर आ रहे हैं वो तमाम खबरें 7 बजे के साथ। बिल्कुल नौजवान, और 7 बजे 7 सुलगते सवाल तो हम दर्शकों को हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा रोल तुरंत चेंज होगा, मैं बन जाऊंगा FCO यानी कि फैक्ट चेक ऑफिसर आशुतोष। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हमने कहा कि गुड न्यूज के गुनहगार कौन है, उनको करेंगे एक्सपोज, ऐसे ही सोशल जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया के जो गुनहगार हैं, उनको भी हम करेंगे एक्सपोज 7:30 बजे। यानी कि आज के दौर में रिलायबल खबरें जनता तक पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, तो हम उस खबर को पहुंचाएंगे, बताएंगे फैक्ट चेक करके कि ये खबर सच है, ये खबर गलत है। और यकीन मानिए, ये शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा आप सभी, हम सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादा रहते हैं, और वो खबर के साथ किस तरीके से उधेड़बुन होती है, फिर उसके बाद वो जाकर किस
तरीके से और किस नजरिए के साथ पहुंचती है, पर उसका सच दिखाना भी बहुत जरूरी है, वो फैक्ट चेक आशुतोष लेकर आएंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत आभार। और हम सीधा इससे, इसलिए हमने कहा कि जनता से हम सीधे कनेक्ट करें, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देंगे जनता को। पर नवजोत, मेरे फैक्ट चेक के बाद आप भी तो अगला बुलेटिन लेकर आने वाली हैं, अच्छी खबर और सच्ची खबर। बिल्कुल, और बहुत सारी अच्छी खबरें होंगी मेरे पास, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आशुतोष, थैंक यू सो मच, आपके शो का हमें इंतजार रहेगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो गुड न्यूज पर पूरे दिन के शोज और उनके एंकर से मैं आपको मिलवा रही हूँ, लेकिन बीच में 5 बजे का शो तो स्किप ही हो गया, और वो 5 बजे के शो के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ होंगी मेरी 4 और एंकर्स, तो चलिए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। मिशा बाजवा चौधरी, शगुफ्ता अदिति शिवांगी, तो हम सभी करेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा। तो ये है हमारी शाम 5 बजे की चाय पर चर्चा की टीम। चाय पर बातें बनती भी हैं और बिगड़ती भी, लेकिन चर्चा भी तो चाय पे होती है। चलिए कुछ ऐसी ही खबरें हम लेकर आएंगे तमाम शहरों की आपके लिए चाय की चुस्कियों के साथ, हम 5 के साथ जीएनटी पर। जीएनटी यानी गुड न्यूज़ टुडे। तो चाय पर चर्चा किस तरीके से होगी, मिशा क्या लेकर आएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले एक काम की बात करना चाहूंगी कि स्नैक्स क्या होने वाले हैं। चाय के साथ अगर आपने चर्चा पे बिठाना है तो स्नैक्स तो मस्ट है, क्योंकि दोपहर का लंच करा चुकी होंगी हमें अदिति और शगुफ्ता, तो स्नैक्स के लिए कुछ बचा है या आप सब खा गए? नवजोत, मिश्रा, मैं आपको बताऊँ की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है, तैयार की है स्नैक्स के लिए, आपके और सबके टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पंजाबी और हर स्टेट का फ्लेवर उसमें आपको मिलने वाला है। शिवांगी, कुछ स्पेशल आपने डिमांड की है इनसे? देखिए, स्पेशल तो डिमांड की है और खाने का जायका होगा, चाय भी होगा, लेकिन अच्छी खबरों का भी जायका होगा। दर्शकों के लिए हम चुन चुन कर अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं नवजोत। अरे देखा ना कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छी खबरें और चाय के साथ समोसे, मजा आएगा। देखिए, ज्यादातर मैक्सिमम यहाँ पंजाबी हैं, ए ना होए कि ऐसी एंड अप छोले भटूरे आते कर दिए। मेरा दिल करता है कभी कभी मिर्च दे पकौड़े मिल जाते कि मजा आएगा। मतलब पकौड़े भी नहीं, अगे एक होर स्टेप उत्ते जा रहे हैं अपन, मिर्च वाले पकौड़े की बात हो रही है, तो फिर मैं मुंबई का वड़ा पाव भी इसमें ऐड करना चाहूंगी और वो भी आ जाएगी चाय के साथ। वैसे टुंडे कबाब का की ख्याल है? आई डोंट माइंड दैट एक्चुअली। नवजोत जी, अदिति अपनी चॉइस बता दे, फिर मैं अपनी चॉइस बताती हूँ। समोसा और जलेबी। अच्छा, नाइस। तो हमारी सेहत से प्लीज हमारे टेस्ट का अंदाजा नहीं लगाइए, वी ऑल आर फूडीज। और आप अगर चाहें तो उसमें हमने एक स्पेशल चीज रखी है कि दर्शक भी कोई डिश हमें भेज सकते हैं, आपके नाम, आपके शहर, आपकी डिश की डिटेल्स के साथ हम चाय पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब जो ये सारी बातें तो हो गई, आपने स्नैक्स का नाम लेकर जिक्र छेड़कर अभी मुझे लगता है हमारे ऑलरेडी जो टेस्ट बड्स हैं उन्हें ट्रिगर कर दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप बस क्या एक ही शो में नजर आने वाली है हमको? अभी आशुतोष में यही पूछ रहा था मेरे से, तो मैं आपको बता दूं कि ठीक 8 बजे मैं लेकर आऊंगी अच्छी खबरों का शो, पूरी सच्चाई के साथ, अच्छी खबर सच्ची खबर, कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे जीएनटी पर। तमाम दिन भर की अच्छी खबरें मैं आपको बताऊंगी पूरी सच्चाई के साथ, लेकिन खबर के पीछे की जो खबर है उसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी होगा। तो मैं खबर सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि उसकी डिटेल्स और पूरे फैक्ट्स के साथ मैं उस खबर को समझाऊंगी, यानी खबर की नब्स टटोलेंगे और उसकी नब्स पकड़ेंगे हम। वैसे मिशा, ये तो मेरी अच्छी और सच्ची खबरें, आप क्या लाने वाली हैं? देखिए, मैं जो शो लेकर आ रही हूँ, रोज रात 10 बजे दर्शकों से मेरी मुलाकात होगी और नाम सुनते ही आप भी सब समझ जाएंगे कि शो में क्या होने वाला है खास। शो का नाम है शुभ मंगल सावधान। मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। बाढ़, बारिश, तूफान, जलजला, ऐसी तमाम कुदरती आपदाओं से कुछ जाबाज ऐसे होते हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए ऐसी बैड न्यूज से निकाल कर लाते हैं गुड न्यूज। ऐसे हीरोज की कहानी मैं, मिशा बाजवा चौधरी, आप तक पहुंचाऊंगी गुड न्यूज टुडे पर।
तो शो है शुभ मंगल सावधान। तो जैसे कि जीएनटी पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग हमसे, शुभ समाचार तो आपके लिए होंगे ही, साथ साथ मंगल क्या क्या रहने वाला है आपके लिए वो भी होगा। और सबसे अहम बात, किस किस बात से हमारे दर्शकों को सावधान रहने की जरूरत है, ये जानकारी भी खास तौर पर होगी इस शो में। क्या बात है, मतलब पूरा इंतजाम है, खुशखबरी भी आप देंगी, अलर्ट भी आप करेंगी, और साथ ही साथ जीवन में क्या कुछ मंगलमय होने वाला है ये भी आपको रात 10 बजे मिशा बाजवा बताएंगी। अब एक सरप्राइज मेरे पास है आप सबके लिए। अभी कोई सरप्राइज बाकी है? बचा हमसे भी सरप्राइज रखा है। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि आपने कोई सरप्राइज रखा। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग गेस कीजिए सरप्राइज क्या है गुड न्यूज टुडे पर सबसे बड़ा, ये आप मुझे बताइए। अब गुड न्यूज है तो गुड वाला सरप्राइज बता दीजिए। अब हम गेस भी नहीं कर सकते। अदिति प्रे करने लग गई। एक्चुअली नहीं, मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा है क्योंकि गुड न्यूज टुडे है तो गुड गुड ही होगा एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा ही होगा कुछ। बिल्कुल मिशा, देखिए हम दिन भर बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं, हम लोगों को पॉजिटिव करेंगे और रात 9 बजे प्राइम टाइम में सोनू सूद होंगे, देश की बात सुनाएंगे। हाउ नाइस। किसी ने मसीहा कहा, किसी ने सुपरमैन, मैं कहता हूं कि मैं एक आम इंसान हूं और यकीन मानिए मुझ जैसे अनगिनत हैं। आपके साथ देश की बात सुनाता हूं, देखिए हर रोज रात 9 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मेरा मकसद ये रहेगा कि गुड न्यूज के जरिए एक ऐसा परिवार बनाना है, एक ऐसा रिश्ता कायम करना है पूरे देश के साथ कि हम बोलें, लोग कहें, लोग एग्जांपल्स दें गुड न्यूज की कि बॉस आपने गुड न्यूज चैनल देखा, उसके अंदर रिश्ते बनते हैं, उसके अंदर परिवार बनते हैं, उसके अंदर एक ऐसा देश बनता है जिसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए हम लोग मिलकर करते हैं कि आज पंजाब द बंदा जरा साड़ी आवाज़ सुन रहा होएगा, वो कहेगा चल मैं जाके महाराष्ट्र में उसकी मदद करता हूँ, महाराष्ट्र वाला बोलेगा चल मैं आंध्र तेलंगाना में करता हूँ। तो आज हम वो प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, आज हम उन हीरोज़ की को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पर लेके आने वाले हैं। तो है ना ये विनिंग कॉम्बिनेशन, तो है ना टीम जीएनटी सबसे अलग, सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव। हमारा वादा है आपसे, हम रहेंगे पॉजिटिव और रखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हम खबर नहीं नजर बदलते हैं। तो आज से हर रोज आपकी और हमारी मुलाकात होगी, फिलहाल चलते हैं, लेकिन चलते चलते जीएनटी का स्माइल वाला वीडियो आपके लिए। टुडे नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। ले आइए उपकाया होम इन्वर्टर बैटरी, इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उपकाया, नेवर स्टॉप इंडिया।